पौड़ी से सटे बैजवाड़ी गांव की जमीन पर सरकारी विभागों द्वारा कब्जा किए जाने के प्रयास पर ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों ने तत्काल मामले की जांच कर उन्हें न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और स्थानीय ग्रामीण विनोद नेगी ने बताया कि उनके गांव की जमीन पर सांख्यिकी विभाग और इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग निर्माण करवा रहे, जिसको लेकर संबंधित विभागों की ओर से डिमोक्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके बारे में ग्रामीणों को कोई सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने बताया है कि इससे पूर्व भी सर्किट हाउस के समीप गांव की जमीन पर काजी हाउस निर्माण करवा दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर शिकायत की कि उनके गांव की जमीन पर विभागों द्वारा जबरदस्ती डिमिक्रेशन किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। ग्रामीणों के द्वारा यह सूचित किया गया है या संज्ञान में लाया गया है कि उनकी ज़मीन पर या जो पुश्तैनी जगह जहां वो कार्य कर रहे थे उसी जगह पर उनके DOPRD या RWT डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स ने आके वहां पे कुछ डिमार्केशन किया, तो इसमें SDM को ये निर्देश दिए गए हैं कि पर्टिकुलर केस में जाँच करते हुए आख्या उपलब्ध जमीन की वो से मिली कि क्योंकि मेरी जमीन में मला हमको कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, और इन्होंने हमारी भूमि में मतलब कर दिया, मतलब कब्जा कर रहे हैं बिना पूछ के बिना जांच के। हम मेरे वहाँ फल लगे हुए, माल लगे हैं और अखरोट के हैं और सेब के हैं, सब कुछ है, और उसी से मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने पूर्व में देखा होगा हमारा पैतृक गांव बैंजवाड़ी है, हम बैंजवाड़ी गाँव के निवासी हैं और सालों से ये ज़मीन हम लोगों के पास है। आपने देखा होगा पूर्व में यहाँ पर सर्किट हाउस में इन्होंने वार्ड नंबर 1 में गौधाम बनाया है। वो गौधाम की जानकारी हम लोगों को ही जानकारी नहीं, क्योंकि हमारी जो माता जी लोग हैं, हमारी दादी लोग हैं, ये पंचायत में भी रही हैं, तब भी इनको कोई जानकारी नहीं मिली कि कब यहाँ पर गौधाम बन रहा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि अब यहाँ पर सांख्यिकी विभाग और जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस खोला जा रहा है और उसकी जानकारी हमें कल ही प्राप्त हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बैंजवाड़ी के मूल निवासी हैं, हमारी पैतृक ज़मीन है, हमारे दादा परदादा इन ज़मीनों पर रहे, इन्होंने खेती बाड़ी करी, आज हमारे फल वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं।